प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वागीसा कैंपस पर। मैं हूँ गुरु नितेश और आज आप लोग को 7 और 13 से विभाजित करने का नियम बताने जा रहा हूँ। 7 और 13 से विभाजित करने का लगभग समान नियम होता है। चलिए हम इस पर डिस्कस करते हैं, देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से कि आखिर क्या रूल होता है। अगर दिया हुआ है 5, 2, 7, 8, पूछता है क्या यह 7 से विभाजित है, तो कुछ नहीं करना है। कोई भी संख्या दिया रहे 6 अंक तक का, तो राइट से लेफ्ट की तरफ 3-3 का पेयर बना लेंगे और इसको आपस में सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। अगर इनका सब्सट्रैक्शन 0 हो जाता है या 7 से विभाजित होता है तो यह पूरा संख्या 7 से विभाजित होगा। 6 से कम डिजिट है तो भी कोई इशू नहीं है, वही करेंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है 5, 2, 7, 8, तो इस तीन को का पेयर बनाएंगे और यह अकेला पेयर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 278 से 5 को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 273। अब हम 273 को देखेंगे कि विभाजित होता है कि नहीं। हमेशा याद रखिएगा, इसमें भागा नहीं देना है और ना ही इसके लिए बहुत ज़्यादा टेबल याद करने की ज़रूरत है। आप यह देखिए, 7 चौका 28 होता है, इसका मतलब है कि 280 7 से विभाजित होगा। 280 7 से विभाजित होगा तो सिंपल सा आप जानते हैं कि जब टेबल आप पढ़ रहे हैं तो अगर 280 7 से विभाजित होगा तो 200 अगला 287 भी 7 से विभाजित होगा, और इससे कम कर देंगे तो 273 भी 7 से विभाजित होगा। बस थोड़ा सा अपना एब्स्ट्रैक्शन यूज करना है, और बार बार आप लोग को कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन इज पावर। तो 280 विभाजित होता है, इसका मतलब 273 भी 7 से विभाजित होगा, इसका मतलब है 5, 2, 7, 8 भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। अगर दूसरा एग्जाम्पल ले और क्वेश्चन लिखते हैं कि 7, 9, 3, 2, 5, 4, तो फिर से क्या करना है, 3-3 का पेयर ले लेना है और 7, 9, 3 से 254 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपको आ जाएगा 539। अब इसको चेक करना है, 7 के टेबल से 7 से 49 मतलब 490 प्लस 49, 490 7 से विभाजित है और ये 49 भी 7 से विभाजित है, इसका मतलब है कि 7, 9, 3, 2, 5, 4 भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। किसी तरह का इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अगर हम लोग 13 से विभाजित होने के लिए देखें, 13 से विभाजित होने के लिए देखें तो 13 से विभाजित होने में भी सेम रूल अप्लाई होगा। यहाँ हम आखिर में घटाने के बाद, क्या अगर 6 डिजिट तक का है तो घटाने के बाद यहाँ 7 से विभाजित करते थे और यहाँ 13 से विभाजित करेंगे। एग्जाम्पल अगर देखें कि 7, 6, 6, 0, 9 ये है, तो इसमें क्या होगा, 3 डिजिट हो जाएगा, 6, 0, 9 -76। अब 76 को 609 से 76 को घटाएंगे तो 600 में से अगर 76 घटाइएगा तो 24 आएगा, और 24 में 9 जोड़िएगा तो 33 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 533। अब 533 को चेक करना है किसे, 13 से, 13 चौका 52 होता है मतलब 520 प्लस 13, तो इसका मतलब 520 13 से विभाजित है, 13 से विभाजित है, यह पूरा संख्या 7, 6, 6, 0, 9 13 से पूर्णतः विभाजित होगा। अगर दूसरा एग्जांपल देखें, यहीं पे ले लेते हैं 5, 9, 3, 0, 6, इसके बारे में अगर चेक करें कि 13 से विभाजित है या नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 306 से 59 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 59 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 247। और 13 दूना कितना होता है, 26, 260 -13 247 होता है, 260 13 से विभाजित है, 13 भी 213 से विभाजित है, तो 247 भी 13 से विभाजित होगा और ये भी 13 से विभाजित होगा। कहने का मतलब है कि अगर किन्हीं दो संख्याओं को संख्याएं, अगर कोई दी गई दो संख्याएं जैसे ए और बी
13 से विभाजित है तो a प्लस बी भी 13 से विभाजित होगा और a माइनस बी भी 13 से विभाजित होगा। ये मैथमेटिक्स का सिंपल सा रूल है, तो उसी को हम लोग यहाँ यूज करते रहते हैं, ठीक है ना। अब आगे इससे संबंधित प्रॉब्लम में किस तरह से यूज करेंगे, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो अभी क्या बताया, पहला दिया हुआ है 3 1 9 3 4, क्या करना है पेयर बना लेना है। पेयर बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 3 4 -31, तो 9 3 4 -31 करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, 9 0 3। 7 से विभाजित करने के लिए देखा है तो 700 प्लस 7 2 9 203। देखिए 700 7 से विभाजित है, 203 के लिए चेक करना है तो 7 3 21 होता है, 210 3 से विभाजित 7 से विभाजित होता है तो 210 से 7 कम मतलब 203 भी विभाजित होगा, इसका मतलब 903 भी विभाजित होगा, इसका मतलब पूरा संख्या 7 से विभाजित है, ये 7 से विभाजित है। दूसरा संख्या है 29164, तो 164 में से 29 को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, 164 से 29 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 135, और 7 दूना 14 तो 140, 140 7 से विभाजित है, इससे 7 कम होगा तो 133 7 से विभाजित होगा, 135 7 से विभाजित नहीं होगा, मतलब 29164 जो है वह 7 से कभी भी विभाजित नहीं होगा। तीसरा संख्या दिया हुआ है 623, इसको आप सिंपली घटा के देखेंगे तो यह सीधा सीधा 0 आ जाएगा। इसीलिए 7 से विभाजित होने के लिए रूल में कहा जाता है कि अगर किसी संख्या को दो दो करके 2 3 2 3 2 3 तीन बार लिख दिया जाए तो वह संख्या भी 7 से विभाजित होता है। अगर किसी संख्या को तीन संख्या को दो बार लिख दिया जाए तो वह संख्या भी 7 से विभाजित होता है, और किसी भी संख्या को 6 बार लिख दिया जाए सेम नंबर को तो वो भी 7 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो उस रूल से भी इसको देखते ही आप कह दीजिएगा कि 7 से उन सारे रूल के हिसाब से ये 7 से विभाजित हो जाएगा। चौथा नंबर प्रॉब्लम कहता है 432 812 से 432 को हटा लेंगे तो ये आ जाएगा 380, और 380 को हम तोड़ेंगे तो 7 5 35 350 प्लस 3, 350 तो 7 से विभाजित है लेकिन 30 7 से विभाजित नहीं होगा, मतलब यह संख्या 7 से विभाजित नहीं होगा, मतलब यह 7 से विभाजित नहीं है। अब अगर हम दूसरी तरह का प्रॉब्लम देखें, 13 से विभाजित होने के लिए प्रॉब्लम देखें, तो कहता है 7511 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ दी जाए या 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। या एग्जाम का क्वेश्चन है तो क्या कहता है, 7511 है, क्या करेंगे 511 से 7 को घटा लेंगे, 511 से 7 को घटा लेंगे तो आपको आ जाएगा 504। 13 से विभाजित होने के लिए इसको चेक करना है 504 को, तो 13 3 39 390 प्लस 114, तो 390 13 से विभाजित है, 114 117, 13 9 117 13 से विभाजित होता है लेकिन 114 13 से विभाजित नहीं होता है, तो इसमें 3 और जोड़ दिया जाए 14 3 17 हो जाएगा, तो क्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको कहता है अगला कि 12805 13 से पूर्णतः विभाजित है तो क्या करना है, 805 -12 कर देंगे, 805 से 12 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 793, 13 से विभाजित करना है, 13 6 78 780 प्लस 13, 780 13 से विभाजित है, 13 भी 13 से विभाजित है, अतः यह पूरा संख्या जो है वो 13 से विभाजित होगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं। थैंक यू।